एक्सप्रेस स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और चलिए अब आपको रायगढ़ के धरमजयगढ़ लेकर चलते हैं, जहां चंद्रशेखरपुर गांव में पेयजल संकट को देखते हुए 35 लाख रुपए की लागत से टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन टंकी सिर्फ शो पीस बनकर रह गई है, क्योंकि इसके निर्माण के बाद इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं डाली गई। जी हाँ, जबकि इसका निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया था कि जब गर्मी में पानी की समस्या होगी तो इस टंकी से लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन साल साल पहले बनी इस टंकी में पानी ही नहीं भरा जाता। ये हाल तब है जब गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कोयला खदान है, जिसके चलते यहाँ जलस्तर काफी नीचे रहता है। बावजूद इसके ये टंकी शोपीस बनी हुई है, वैसे ये टंकी जर्जर भी होने लगी है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि टंकी के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, घटिया निर्माण होने की वजह से ही इसमें कभी पानी नहीं भरा गया। हैरानी की बात तो यह है कि नल जल योजना के तहत बनी इस टंकी की मरम्मत में भी लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी ये शोपीस बनी हुई है। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हम लोग गंदा नाली में बर्तन को रखकर पानी भरने के लिए मजबूर है। यहाँ पंच प्रतिनिधि जो हैं उन लोग पानी पर बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं देते, कई बार उनको बोल चुके लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जबकि हमारे ग्राम पंचायत में 30-35 लाख रुपए का पानी टंकी बनवाया गया है, जिसमें आज तक पानी का एक बूंद सप्लाई नहीं हुआ, जबकि वो बने 6-7 साल से ऊपर हो गए। गांव मोहल्ले के जो पानी पीते हैं, किसी घर में नल है किसी घर में नहीं है, लेकिन जो नल है ऐसा है सर, खराब स्थिति ऐसी है कि नाली से जैसे पानी उठा रहे हैं, गंदगी इतनी फैली हुई है मत पूछिए टाइप का। सर कोई व्यवस्था नहीं की गई है इनके ऊपर में, जो भी व्यवस्था की गई है खाली अपने नगर प्रमुख जो हैं, गांव प्रमुख जो हैं, उनके घर के सामने में खाली एक थोड़ा नाली दे दिया गया है या पाइप दे दी गया है, बाकी किसी घर में कुछ नहीं है सर। देख लीजिए पंचायत है, यहाँ हम 4 दिन से पिछले 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि उपस्थिति नहीं है जिसके हम संपर्क कर सकते। गाँव में 33 लाख की पानी टंकी निर्माणाधीन है, मगर उस पानी उस टंकी को आज तक उपयोग में नहीं लाया गया है। टंकी को PHE के विभाग द्वारा फेल बताया जा रहा है, और हर गली मोहल्ले में पानी की समस्या है, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ दिन पहले नाली को तोड़कर छोटे छोटे पाइप बिछाए गए हैं कुछ व्यवस्था में, मगर ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो पंचायत के पंच प्रतिनिधियों के करीबी हैं, उन्हीं को ही पानी की व्यवस्था दी जा रही है, बाकी लोगों के लिए वो पानी पी। और इस खबर पर हमारे साथ धर्मजयगढ़ रिपोर्टर शेख आलम जुड़ चुके हैं। शेख आलम, जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला और टंकी का निर्माण कितने साल पहले किया गया था? जी निर्मल, देखिए ये धर्मजगढ़ के ये चंद्रशेखरपुर ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहां ये देखा जा रहा है कि विजुअल और तस्वीर और जो ग्रामीण कह रहे हैं उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि भ्रष्टाचार जमकर किया गया है इसमें। ये 35 लाख रुपए का ये पानी टंकी PHE विभाग की ओर से नल जल योजना के तहत निर्माण कराया गया था 7 साल पहले। जी 7 साल पहले ये निर्माण करा दिया गया, जिसमें ये भी देखा गया है कि दरारें आने लगी थी उसी समय, तो ये अंदाजा लगा रहे थे ग्रामीण और वहाँ के बसिंदे जो हैं कि ये कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार किया गया, गुणवत्ताहीन काम किया गया है। फिर ये जब ये शिकायत हुई ग्रामीणों द्वारा, शिकायत की गई अधिकारियों से, स्थानीय प्रशासन से, तो 2 साल बाद महज 2 साल बाद कुछ मरम्मत कराकर फिर से छोड़ दिया गया, और आज की स्थिति ये है कि देखा जाए तो ये 35 लाख रुपए की टंकी, पानी टंकी जो है, केवल एक महज 100 पीस बनकर रह गया है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। शेख, आपकी कुछ अधिकारियों से बात हुई है टंकी के जिम्मेदार, और उनसे कभी आपने पूछा हो कि टंकी में कब पानी भरेगा, कब लोगों को इसका पानी मिल सकेगा, ऐसा कोई अधिकारियों से चर्चा हुई आपकी? जी निर्मल, इस संबंध में स्थानीय अधिकारी PHE विभाग के SDO से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि फिलहाल ये फेल हो गया है। हमने शेख आपको रोकना चाहूंगा, नीरज राठिया जो कि सचिव हैं पंचायत की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। राठिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। गुड, लगता है उनका फोन कट गया है। जी अपनी बात पूरा करें शेख आलम। जी, तो संबंधित अधिकारी से हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि हमने तो लोगों के पेयजल के लिए, पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए हमने पानी टंकी का निर्माण किया, लेकिन ये फेल हो गया, ऐसा इनका कहना है। इतनी बड़ी विडंबना है शेख आलम, 7 साल पहले 35 लाख से टंकी का निर्माण हुआ और अब तक ना तो एक बूंद पानी उसमें भरा, मतलब खुला खेल भ्रष्टाचार का यहाँ नजर आ रहा है इस पंचायत में। कोई विधायक की तरफ से कभी कोई सुध ली गई हो, कुछ एक्शन लिया गया हो?
जी, ग्रामीणों की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि अभी क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी अब तक कोई सुध नहीं लिए हैं इस पानी टंकी को लेकर या फिर पेयजल की समस्या को लेकर। जी जी, तो अभी ये किसी अभी आपकी हाल ही में किसी जिम्मेदार अधिकारी से या पंचायत क्या कर रही है इस पूरे मामले में, वो कोई एक्शन लेने जा रही है? जी देखिए, बात अगर हम ग्राम पंचायत की करें तो बेहद ही निष्क्रिय जनप्रतिनिधि और क्या बोलते हैं सरकारी सचिव जो है उनका ये रवैया सामने आ रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि वो कई बार सरपंच और सचिव से इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पहल नहीं कर रहे हैं और ना ही इस विषय पे कुछ जानना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं वो। शेख आलम, अगर ये टंकी भर जाती है तो कितने इलाके के कितने लोगों को कितनी जनसंख्या को इसका फायदा मिल सकता है पानी का इसके? जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये टंकी में पानी भर जाता है या पानी की व्यवस्था हो जाती है तो ये मानकर चलिए, जैसा कि बताया जा रहा है और एक आंकड़ा है, पूरे क्षेत्र को ये पानी मतलब मुहैया करा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ग्रामीण पटेल प्रदीप पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं ताकि सीधे हमको उनकी समस्याओं की जानकारी हो सके। जी पटेल साहब, बताएं कि क्या कुछ है पूरा मामला और कितनी परेशानी आ रही है वहां पे लोगों को। हेलो, हाँ जी पटेल साहब बोले, क्या समस्या है आपकी? सर समस्या तो अपने गांव में बहुत सारी हैं, जैसे आप कर ले लीजिए पानी। नहीं, अभी सिर्फ टंकी की बात की जा रही है 35 लाख से जो बनी है और जिसमें एक बूंद पानी आज तक नहीं भरा है। हाँ जी हाँ जी जी बोले। सर अभी तक तो 30-35 लाख का जो टंकी बनाया गया अपने इसमें गाँव में जी, जिससे क्या है पूरे गाँव का सप्लाई अगर हो जाता उसमें जी पानी टंकी भरने के बाद, लेकिन क्या है सर उसमें अभी तक पीएचई द्वारा जो है वो फेल कर दिया गया है उसको जी। और उसमें पानी की एक बूंद अभी तक उसमें ना सप्लाई किया गया है ना उसमें टंकी भरा गया है सर वो। पटेल साहब, इतनी सारी जनता जुड़ी हुई है इससे, सबका इसमें फायदा होता, घरों में पानी आता, क्या कभी कोई आंदोलन सरीखा आप लोगों ने नहीं किया ताकि जो प्रशासन सो रहा है बैतूल में और इस पंचायत के जुड़े हुए पीएचई के जो अधिकारी हैं ताकि उनकी नींद खुल सके और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? सर इसके लिए तो अपन बहुत सारे आवेदन भी लगा चुके, आंदोलन भी कर चुके, लेकिन सर अभी तक ना कोई सुनवाई नहीं हुआ है ना कुछ नहीं हुआ सर उसका। अपने स्तर में ग्रामीण स्तर में जितने भी लड़के लोग हैं या बड़े बुजुर्ग जेसीसी के नेता राठिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राठिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवल राठिया जी भी हमसे संपर्क नहीं कर सके हैं फिलहाल, और ये गांव वाले जो हैं वो प्रदीप पटेल हमें समस्या बता रहे हैं अपनी। जी पटेल साहब बोले, कभी कोई आंदोलन क्यों नहीं किया क्षेत्र की जनता ने? सर आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं अपने, इसके इसकी जानकारी अपन सरपंच को सचिव को सबको दे दिया गया था। कभी सड़क पे नहीं उतरी वहाँ की जनता प्रदीप पटेल जी? नहीं सड़क पे तो अभी नहीं उतरे हैं सर। तो कब उतरेंगे? 7 साल से भ्रष्टाचार आप लोग देख रहे हैं, आम जनता का पैसा है, 35 लाख खा गए अधिकारी और जो भी ठेकेदार मिलके, तो आप लोग आखिर कोई आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते जनता के? इसके लिए जानकारी दे दिया गया सर, लिखित में जानकारी दे दिया गया है कि मान लीजिए अभी तो कुछ काम नहीं होगा तो अपन आंदोलन में उतरेंगे करके जी, तो उसके लिए मोहलत भी मांगे हुए हैं अपने को, उसका पूरा जानकारी चाहिए करके। जी नवल राठिया जी हमसे फिर जुड़ चुके हैं। नवल जी क्या कुछ कहेंगे, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है टंकी के नाम पर? जी सर बिल्कुल जी, आगे कुछ बोलें, क्या 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 कहेंगे सब पे? पीने का जो पानी है वो तो ना के बराबर है, 35 लाख की जो टंकी बनी है जी वो मेरे ख्याल से उसमें एक ही बार पानी भर के देखे होंगे, उसके बाद कहीं पानी नहीं भरा उसमें। मेरे हमारे संवाददाता के हिसाब से तो एक बार भी नहीं भरा, क्योंकि इतनी जर्जर टंकी है कि बनने के जिस दिन से बनी है उस दिन से ही इस लायक नहीं है कि पानी उसमें भरा जा सके। बस ट्राई करके देखो तो वो तो फेल ही हो गया ना, पूरा सीपेज कर रहा था और उसमें बोर ऐसा कोई बोर ही नहीं था जी। और जो टंकी से जो बोर खोदा गया था वो छोटा बोर था, जिस हिसाब से टंकी उसमें बड़ी बोर थी। नहीं अभी तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि टंकी इतनी जर्जर है, एक बार इसमें मरम्मत भी की जा चुकी है, महज 7 साल पहले बनी है, मरम्मत में खर्चे कर चुके उसमें जी। तो जेसीसी जे क्या कर रही है इस पूरे मामले में, कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन ताकि गांव वालों को कुछ राहत मिल सके, पेयजल मिल सके? हमने अभी अभी परसों हमने एसडीएम साहब और सीईओ साहब को दिया है आवेदन जी यदि अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर अपन तालाबंदी करेंगे पंचायत में, क्योंकि पंचायत में वैसे भी तालाबंद रहता है सर जी। राठिया साहब ये जो पूरा मामला नजर आ रहा है वो तालाबंदी जैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बिना काम यहाँ चलने नहीं वाला, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी हमें बताया है। तो हम उम्मीद करें कि जनहित में आप कोई आंदोलन करेंगे, जेसीसी जे जो है जनता के हितों का ध्यान रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और मेघनगर जिले